आदेशिक गृह रक्षा दसवीं वाहिनी हमीरपुर सुशील कुमार कौंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि दिवाली त्योहार के दौरान पटाखे व आतिशबाजी चलाने से आग की घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसके मद्देनजर रखते हुए आग की घटनाओं से बचने और जान माल के नुकसान को कम करने के लिए दमकल केंद्र चौकियों में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जो कि 23 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक 24 घंटे काम करेगा। उन्होंने बताया कि अक्सर देखने में आया है कि दमकल केंद्र हमीरपुर में स्थापित दूरभाष नंबर पर गलत कॉल की जाती है, जिससे दूरभाष नंबर व्यस्त रहता है और आपातकालीन घटनाओं की जानकारी समय पर नहीं मिलने से जान माल का नुकसान ज्यादा हो जाता है। उन्होंने जिला हमीरपुर के आम जनमानस से आग्रह किया है कि दमकल केंद्र चौकियों में अनुचित कॉल ना करें और दमकल विभाग को सहयोग करें, ताकि समय रहते जान माल व वन संपदा, निजी व सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाया जा सके। हमीरपुर के बाल स्कूल परिसर में जिला स्तरीय नेशनल फोक डांस एवं नेशनल रूल प्ले कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जिला विज्ञान पर्यवेक्षक अश्विनी चंब्याल ने शिरकत की। इस अवसर पर बच्चों ने नशे के साथ साथ स्वच्छता का भी संदेश दिया। विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चों ने कार्यक्रम में मोबाइल का इस्तेमाल, अपने एटीएम का सही इस्तेमाल, सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों से बचने के लिए भी लोगों से आह्वान किया। जिला स्तरीय आयोजन में जिला भर से 20 स्कूलों के लगभग 150 बच्चों ने हिस्सा लिया। जिला विज्ञान पर्यवेक्षक अश्विनी चंब्याल ने बताया कि जिला स्तरीय नेशनल फोक डांस एवं नेशनल रूल प्ले प्रतियोगिता में जिला भर से 20 स्कूलों के 150 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि आजकल नशे की बढ़ रही प्रवृत्ति को रोकने के लिए बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों के द्वारा नशे के ऊपर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी जागरूकता फैलाने का यहां पे प्रण लिया है। बासडुवी उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के अंडर 19 छात्र व छात्राओं की राज्य स्तरीय 3 दिवसीय वार्षिक एथलेटिक प्रतियोगिताएं हमीरपुर में संपन्न हो गई है, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों व खेल छात्रावास धर्मशाला व बिलासपुर के 620 एथलीटों ने भाग लिया है। समापन समारोह के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वह शिक्षा के साथ खेलों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए व्यय किए जा रहे हैं, जिससे नई खेल प्रतिभाएं उभर कर सामने आ रही हैं। इस अवसर पर उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी तथा जो खिलाड़ी बेहतर नहीं कर पाए उन्हें कड़ी मेहनत करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि असफलता ही सफलता की पहली सोपान है, इसलिए हारने वाले खिलाड़ियों को निराश न होकर दोगुने उत्साह से जीत के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रतियोगिता की 100 व 200 मीटर दौड़ में हमीरपुर के कौस्तुभ ने पहला स्थान, जबकि बिलासपुर के कनिष चौहान तथा मंडी के रोहित ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार लड़कियों की 100 और 200 मीटर की दौड़ में हमीरपुर की दिव्या ने पहला, संजना ने दूसरा तथा साई होस्टल धर्मशाला की कुसुम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। मुख्य अतिथि ने सभी विजेता व उपविजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान कर पुरस्कृत किया। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में छात्रों की लंबित मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते एबीवीपी इकाई ने डीसी कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर एबीवीपी के दर्जनों छात्र छात्राओं ने तकनीकी विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार को जमकर कोसा। एबीवीपी ने चेताया कि अगर जल्द मांगों को नहीं माना जाता है तो एबीवीपी पहले जिला स्तर पर आंदोलन करेगी और बाद में प्रदेश स्तर का आंदोलन शुरू करने के अलावा तकनीकी मंत्री का घेराव तक किया जा सकता है। एबीवीपी इकाई अध्यक्ष सूरज जरियाल ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार
तकनीकी विश्वविद्यालय को राजनीति का अखाड़ा बनाने में लगी है। सूरज ने कहा कि तकनीकी शिक्षा मंत्री भूल गए हैं कि तकनीकी विश्वविद्यालय भी उन्हीं के मंत्रालय में आता है, लेकिन दुर्भाग्य से आज तक तकनीकी शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय की आवाज को विधानसभा में नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से ये विश्वविद्यालय विकास की राह देख रहा है, लेकिन सरकार की उदासीनता की वजह से ये विश्वविद्यालय पिछड़ रहा है। आज विश्वविद्यालय को सरकार ने बजट का प्रावधान तक नहीं किया है, जो कि शर्मनाक है। वहीं इकाई सदस्य अनिल ने बताया कि जल्द सरकार अगर नहीं मानती है तो तकनीकी मंत्री का एबीवीपी घेराव करेगी। उन्होंने बताया कि पिछले एक महीने से एबीवीपी कार्यकर्ता मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार आंखें मूंद कर बैठी है, जिस कारण अब मजबूरन छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है।